जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कई संतों से पूज्य श्री उषा बहन जी मिली, कल हमने सुना था। श्री श्री प्रिया शरण जी महाराज से मिलन, निम्बार्क संप्रदाय के धुरंधर विद्वान, ब्रज के प्रति अनन्य निष्ठावान तथा उसके पोषक महान विरक्त श्री प्रिया शरण जी महाराज से अध्यात्म जगत अपरिचित कदापि नहीं है। वन विहार रमण रीति में महाराज जी श्री राधा सुधा निधि की कथा कहा करते थे। सरसता तथा इनकी अनुभूति पूर्ण अभिव्यक्ति से कथा में विशेष रस प्रवाह का संयोग होता। पूज्या उषा जी ने इनकी कथा में प्रिया जी को एक वृक्ष की टेक लगाए तन्मय खड़े देखा था। श्री श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज, श्री कृपा सिंधु दास बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के संरक्षण में अपनी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग प्रायः सुनिश्चित तथा तय कर चुके थे। नाम निष्ठा और लीला स्मरण चिंतन ने अनेक भावुक व्यक्तियों को उनकी ओर आकृष्ट किया। इसी प्रसंग में पूजनीय संतोष जी सरला जी ने सरला जी के स्नेह आग्रह से पूज्य उषा जी का भी उनके यहाँ जाना हुआ। साथ में श्री विमला नेविल तथा धर्म बहन जी भी थी। लीला चर्चा का मुख्य हेतु तो था ही, परंतु पूज्य उषा जी ने गौड़ीय पद्धति का सम्यक विश्लेषणात्मक अन्वेषण किया था, अतः यह मिलन अध्यात्म चर्चा में विचारों के आदान प्रदान में परिणित हो गया। इनके सर्वांगीण प्रतिभा को सुन देख वे अत्यंत प्रसन्न तो हुए ही, आश्चर्यचकित रह गए। गौड़ीय ग्रंथों का इतना सांगोपांग अध्ययन संभवतः उन्हें कल्पना न हो सकी थी। इस प्रसंग से उनकी पूज्या उषा जी के प्रति एक आत्मीयता विशेष हो गई। पूज्या उषा जी सभी इहलौकिक कृत्यों से मुक्त होकर वृंदावन आ ही चुकी थी। उन्हें पता चला कि पूज्या उषा जी प्रधानाध्यापिका रह चुकी हैं, तो अत्यंत आत्मीयता और स्नेह लाड़ में भरकर महाराज जी उनसे बोले, इनका सब कुछ छुड़वा ब्रजवास क्यों नहीं करा देती। पूज्या उषा जी चुपचाप बैठी रही। उपरांत अनेक बार उनसे लीला चर्चा सुयोग बनता रहा। संत श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से मिलना, टटिया स्थान के महंत भगवान दास जी के शिष्य परम पूजनीय श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के नाम से वैष्णव समाज सर्वथा परिचित है। प्रिया प्रियतम के परम अनुग्रह पात्र श्री श्री महाराज जी का सा स्वभाव और दैन्य दुर्लभ ही है। सभी संप्रदायों आचार्यों की परंपरा में पूर्ण श्रद्धा इनके चरित्र की विशेषता ही थी। प्रवचन की शैली इतनी अधिक आत्मीयतापूर्ण होती थी कि सभी लोग प्रफुल्लित हो उठते। पूज्या बहन जी के आग्रह पर अनेक बार घर पधारते, अपनी उसी भोली भाली भाषा में सदा सदा कहा करते, उषा बाई का स्नेह आग्रह टालने में समर्थ नहीं हूं मैं। उनका अगाध स्नेह और वात्सल्य था। पूज्या उषा जी की सी विनम्रता, दैन्य और भाव गरिमा की सदैव प्रशंसा करते। श्री ठाकुर सेवा को लेकर पूज्या उषा जी की सेवा में अभिनिवेश देख परम प्रसन्न होकर कहते, श्री ठाकुर सेवा में उषा बाई के प्राण ही बसते हैं। संत मदन मोहन दास जी महाराज से मिलना, नंदगांव वासी महात्मा श्री मदन मोहन दास जी महाराज को, जो निम्बार्क कोट के सिद्ध संत श्री श्री हंस दास जी महाराज के शिष्य थे, अधिकांश वैष्णव जानते ही हैं। नंदगांव में तो वे एक उच्च कोटि के महात्मा के रूप में बने रहे, ब्रज तथा ब्रजवासियों में अत्यधिक घुल मिलकर रहते, यही उनका भाव का सौंदर्य था। वे ब्रजवासियों में सिद्ध भाव रखते थे तथा ब्रज को उसी चिन्मय भाव से देखते थे। पूज्या बहन जी के प्रति इनका अगाध स्नेह और श्रद्धा का भाव बन गया था। अनेक बार लीला कथा करते करते फूट फूट कर रोने लगते और पूज्या उषा जी से सर्वदा श्री ठाकुर जी की कृपा याचना के लिए आग्रह करते रहते। अनेक बार वृंदावन घर पर मिलने पधारे तथा सेव्य
स्वरूप श्री ठाकुर जी के दर्शन, पूज्या उषा जी की सेवा पद्धति को देख उनके प्रति विशेष ही समादर रखते। वे सदा कहते, बहन जी की सेवा पूजा इनकी निष्ठा का मूर्तिमान स्वरूप सेव्य श्री ठाकुर ही हैं। बहन जी की सेवा निष्ठा प्राणों से भी बढ़कर है। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी से मिलना। पूज्य श्री महाराज जी से परिचय प्रसंग हम पूर्व में दे चुके हैं। श्री ललिताचरण जी गोस्वामी जी से मिलना। श्री राधावल्लभ संप्रदाय के गणमान्य गोस्वामी संत श्री महाराज जी जहाँ एक ओर अपने संप्रदाय में तो विशेष ख्याति प्राप्त थे ही, इधर अन्य विद्वत समाज की भी आपके प्रति श्रद्धा बनी रही। इसका कारण था आपके सांप्रदायिक तथा समस्त पूर्वाग्रहों से किंचित हटकर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष भावना। केवल विद्वत्ता ही नहीं, आपकी भाव प्रधान शैली भक्ति की गरिमा के भार से दबी दबी सी, उसके सौरभ से महकती रही। पूज्या उषा जी के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा तथा स्नेह बना रहा। इनके साथ रसिकों के पदों के भाव का वर्णन कर वे प्रसन्न होते। सांप्रदायिकता का दुराग्रह उनमें न होने के कारण ही पूज्या उषा जी के प्रति उनका वात्सल्य तथा स्नेह बना रहा। श्री यमुना जाते प्रायः उनसे भेंट हो जाया करती, वे बड़े ही प्रसन्न होते। इसके अतिरिक्त पूज्या उषा जी की भाव प्रवणता से वे बहुत ही प्रभावित थे। श्री ठाकुर सेवा पूजा में पूज्या उषा जी को आदर्श ही माना करते थे। वे सदा कहते, श्री ठाकुर सेवा का ऐसा कोमलतम भाव श्री उषा जी के अतिरिक्त कभी भी कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया। इनका रोम रोम सेवा में संलग्न होता है। श्री ठाकुर दर्शन करने की उनकी उत्कट इच्छा बनी रही। पूज्या उषा जी के अस्वस्थ होने पर बहुत ही दुखी हुए। इनका स्वास्थ्य समाचार जानने के लिए एक महात्मा जी को नित्य ही इनके यहाँ भेजते। दो महान संतों का मर्यादा में भाव तथा स्नेहिल अपनत्व सर्वदा सराहनीय बना रहा। गृहस्थ संत श्री पन्ना लाल जी भाबूटा जी से मिलन। नारी मात्र के प्रति प्रिया जी की भावना रखते थे। पूज्या श्री उषा जी के प्रति उनका अगाध स्नेह तथा वात्सल्य बना रहा। वे सदा आओ मेरी लाली, मेरी राधा रानी कहते कहते भाव विभोर हो जाया करते। पूज्या उषा जी की तितिक्षा तथा वैराग्य की सदा सराहना करते तथा हर प्रकार का ध्यान रखते। श्री ठाकुर जी की सेवा से अत्यंत प्रभावित होते। उर्दू शायरी परंतु इश्के हकीकी के कारण ही पूज्या उषा जी के प्रति उनकी आस्था बनी रही। जब कभी उनसे हाल पूछती तो सदा बड़ी ही प्रसन्नता में भर कहते, मस्तों की जिंदगी में सदा ही बहार हैं। मस्ती उनकी आँखों से बरसती थी। पूज्या उषा जी की चाल को देख प्रायः कहते, यह मस्तों की चाल है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।